हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवेज क्वीन अरियाना। आई एम बैक विद माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग जो 20 सीजन 16 के एलाइट पास है उसकी लीक न्यूज़ की गाइस। और ये शायद 98% मैं सोर हूँ, किसी और यूट्यूबर्स के पास आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। काश किसी और के पास ना हो, बट हो भी सकता है, बिकॉज इतने यूट्यूबर्स इतना मेहनत करते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ तो निकाल ही लेते हैं आने से पहले। सो ये है हमारा सीज़न 16 के एलाइट पास, जिसे समुराई कहा गया है। 16 का एलाइट पास और समुराई बंडल बोला गया है, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल कैरेक्टर हैं, मतलब बंडल है, वो समुराई उसके नाम के आगे लिखा हुआ और इस तरीके का दिया गया। आप इमोट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इमोट है। और इस इमोट तो हमेशा ही एलाइट पास का अच्छा होता है। और मैं एलाइट पास अगर बाय करती हूँ तो सबको पता है मैं इमोट के लिए ही बाय करती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारा जो आप देख रहे हैं बैनर, जो कि रेड कलर का एकदम खूनी बैनर है। और आपको एक डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा। और अगेन और न्यू कैरेक्टर जो साइबोंग है, A124 जिसे कहा गया कैरेक्टर का नाम है, उसका बंडल भी, सॉरी उसका फ्रेगमेंट्स भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो न्यू एडवांस सर्वर है वो आने के बाद ही ये एलाइट पास आएगा सीजन 16 का, तो इसलिए। और बाकी हर जितने भी एलाइट पास आपने देखा होगा उसके अंदर जो जो चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें हैं, बट इसमें कुछ अलग भी है। आप देख सकते हैं जो लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है ना, वो काफ़ी कूल और अलग है, क्योंकि ये पहले मैंने कभी नहीं देखा और वो समझ में भी नहीं आ रहा है वो आखिर है क्या। और नेक्स्ट हम ये मेल बंडल की बात करें तो वो इस तरीके का दिखता है समुराई। सो ये मेल बंडल है और इस बार जो अर्थ वाला है ना उससे काफ़ी अच्छा है सच्ची में। जो फुल लुक आप अगर देखें तो मेल एंड फीमेल बंडल में कुछ इस तरीके का दिखेगा और कूल है, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और इसमें आपको कुछ गन की स्किन्स हमेशा की तरह वो मिलेगा, पैरासूट की स्किन्स मिलेंगी और स्कैनर ये सब चीज़ आप देख ही सकते हैं। ये फीमेल का बंडल है जो कि आप पीछे से देख सकते हैं, पीछे से फीमेल कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो कंपेयर टू सीज़न 15 और 16 को अगर कंपेयर किया जाए तो 16 ज़्यादा अच्छा लग रहा है 15 के मुकाबले। और अगर 15 और 14 को कंपेयर किया जाए तो 14 मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा था ये अर्थ वाले से। तो आप नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये हाउस जैसा कुछ दिख रहा है आपको, काफ़ी अलग चीज़ें लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्रेट है जो कि, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हमेशा की तरह क्रेट ही होना चाहिए इसे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें लाइट पास में देते ही क्या हैं अगर 16 में अगर कुछ अलग देना चाहें तो। बट ये क्या हो सकता है, क्रेट लग रहा है, आप लोग बताना आपको क्या लगता है। मुझे ये क्रेट लग रहा है वैम्पायर वाला, सॉरी समुराई क्रेट। और दूसरा ये स्केट बोर्ड है जो कि सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। सो ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको सीजन 16 का एलाइट पास कैसा लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर।